झारखंड में चुनावों से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका मिला है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी व पश्चिम सिंहभूम जिले की सांसद गीता कोड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वह भाजपा संघ जुड़ गई है। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वह राज्य में कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए गठबंधन से खुश नहीं है। सर्वप्रथम आज मैं आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, आदरणीय मुझे हमेशा इनका मार्गदर्शन मिलता रहा है, बाबूलाल मरांडी जी का, अमर बाली जी का, धन्यवाद करती हूँ। और अपनी इस नई शुरुआत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और कांग्रेस को छोड़कर आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। इसके पीछे जो कारण है सर्वविदित है। जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार देश को गर्त में डाला है, जिस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, एक तरफ तो कहती है कि हम सभी वर्गों को साथ लेके चलेंगे, लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम देखें तो किसी को भी साथ लेकर नहीं चल रही, सिर्फ अपना परिवार लेके साथ चल रही। तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि हम लोग सार्वजनिक जीवन में हम लोग राजनीति करते हैं और राजनीति का मकसद है जन का सेवा करना, जनता के बीच में रहना, और ऐसे में जहाँ जनता के हित को दरकिनार किया जा रहा है, पीछे रखा जा रहा है, वैसी पार्टी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं था। इसलिए मैंने कांग्रेस को त्याग दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ अब मैं जनता की सेवा करूंगी। और अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।